हाय फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है सिविल सर्विसेज का अड्डा में। आज हम लोग झारखंड स्पेशल के अंतर्गत जो डिफरेंट इंडस्ट्री है, जितने भी उद्योग हैं, सरकारी उद्योग, ठीक है, सेंट्रल लेवल पर और स्टेट लेवल पर, यानी भारत सरकार का जितना भी उद्योग है झारखंड में और राज्य सरकार का जितना भी उद्योग है झारखंड में स्थापित, उन सभी को देखेंगे और कौन उद्योग किस जिले में स्थित है और कौन सा उद्योग किस पंचवर्षीय योजना का योगदान है, ठीक है, उसे हम लोग देखेंगे। यानी कौन सा उद्योग किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत स्थापित किया गया है, उसे भी हम लोग एक एक करके देखेंगे। काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और यहाँ से भी एक क्वेश्चन आने की संभावना काफ़ी ज़्यादा रहती है, ठीक है। 10 मिनट का वीडियो रहेगा, आप लोग आराम से देखिए और काफ़ी हेल्पफुल होगा आपके प्रिपरेशन में, ठीक है। बने रहिए सेशन में, चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। इंडस्ट्री इन झारखंड। झारखंड में जितने भी इंडस्ट्री हैं, ठीक है, उसे हम लोग देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल देखेंगे सेंट्रल लेवल के, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा कौन कौन से इंडस्ट्री ऑपरेट किए जाते हैं, यानी कौन कौन से इंडस्ट्री स्थापित किए गए हैं, ठीक है। फर्स्ट इंडस्ट्री है, यानी उद्योग है, पायराइट्स फॉस्फेट एंड केमिकल्स लिमिटेड, सिंदरी, ठीक है। ये 1951 को इस्टेब्लिश हुआ था और इसकी स्थापना सिंदरी में की गई है। यहाँ पायराइट्स फॉस्फेट आदि रासायनिक पदार्थ बनाए जाते हैं। इसकी कुल जमा पूंजी 5 करोड़ रुपये है, ठीक है। आपको बस ये याद करना है कि कौन सा उद्योग किस जिले में स्थित है और कब स्थापित किया गया है, ठीक है। पायराइट्स फॉस्फेट एंड केमिकल्स लिमिटेड सिंदरी 1951 को इस्टेब्लिश हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड घाटशिला, ठीक है। नवंबर 1967 को ये स्थापित हुआ था। इसका मुख्य उद्देश्य भारत में तांबे के उत्पादन की वृद्धि कर इसके आयात को कम करना था, ठीक है। यानी तांबे के उत्पादन से संबंधित है हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, नाम से ही समझ में आ ही रहा होगा आप लोग को, कॉपर यानी तांबा। घाटशिला में स्थित इस कारखाने की उत्पादन क्षमता 16,500 टन वार्षिक है। इसकी एक इकाई राजस्थान के खेतरी में भी स्थापित है। आज सभी को पता होगा कि राजस्थान का जो खेतरी क्षेत्र है वो तांबा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। तो एक इकाई है वो राजस्थान में है और दूसरी इकाई यहाँ पर झारखंड के घाटशिला में है, ठीक है। चलिए, दो इंडस्ट्री हो गया। नेक्स्ट हमारा इंडियन एल्युमिनियम कंपनी मूड़ी, ठीक है, ये मूड़ी में है और ये मूड़ी जो है रांची के नज़दीक में पाया जाता है, ठीक है। जब आप रांची से होते हुए टाटा नगर जंक्शन जाओगे तो मूड़ी स्टेशन बीच में आता है, ठीक है। यहीं पर है इंडियन एल्युमिनियम कंपनी मूड़ी। हिंदुस्तान एल्युमिनियम कॉरपोरेशन ने स्वर्ण रेखा नदी घाटी के मूड़ी नामक स्थान पर, ठीक है, एल्युमिनियम कारखाने की स्थापना की थी, जो झारखंड प्रदेश में प्राप्त होने वाले बॉक्साइट पर आधारित है। इसकी उत्पादन क्षमता 70,000 टन वार्षिक एल्युमिना उत्पादन करना है, ठीक है। तो ये किस नदी के किनारे स्थित है? तो इंडियन एल्युमिनियम कंपनी यानी हिंदुस्तान एल्युमिनियम कंपनी जो है ये स्वर्णरेखा नदी घाटी के किनारे स्थित है, मूड़ी नामक स्थान पर स्थित है, ठीक है। कौन स्थापित किया है? तो हिंदुस्तान एल्युमिनियम कॉरपोरेशन ने स्थापित किया है और यहाँ से एल्युमिना का उत्पादन किया जाता है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्या है? माइनिंग एंड एलाइड इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड, ठीक है। माइनिंग यानी जो माइनिंग किया जाता है, कोयला का जो खदान उदान, कोयला का जो निकाला जाता है, ठीक है, उसी से रिलेटेड है ये माइनिंग एंड एलाइड इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग जानते हैं, देखते हैं क्या है, कब स्थापित किया गया है। ये जो है 1 अप्रैल 1965 में स्थापित किया गया है और कोयला और अन्य खनिजों के उत्खनन करने के काम आने वाले उपकरणों का निर्माण करना है, ठीक है। जितने भी माइनिंग से रिलेटेड जितने भी इंस्ट्रूमेंट और डिवाइस यूज किया जाता है उसका प्रोडक्शन इस फैक्ट्री में होता है, इस इंडस्ट्री में होता है, ठीक है। यहाँ पर माइनिंग से रिलेटेड जितने भी उपकरण होते हैं, जितने भी इक्विपमेंट होते हैं, उसका निर्माण कराया जाता है, ठीक है। पूर्व में यह संस्थान हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन का ही भाग था, लेकिन अब ये अपना एक अस्तित्व में आ गया है और इसका नाम हो गया है माइनिंग एंड एलाइड इंजीनियरिंग लिमिटेड, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट हमारा हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड रांची, ठीक है। इसकी यानी HECL, ठीक है,
HECL। इसकी स्थापना 31 दिसंबर 1958 को रांची में की गई थी। ठीक है, इसकी 3 इकाइयां हैं, भारी मशीन उपकरण संयंत्र, भारी मशीन निर्माण संयंत्र और फाउंड्री फोर्स संयंत्र। कौन सा स्थान कहाँ पर है आपको बस ये याद करना है, कौन सा इंडस्ट्री, कौन सा उद्योग कहाँ पर है बस आपको ये याद करना है, और कब स्थापित किया गया ये थोड़ा सा आपको याद करना है। हैबी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी HECL रांची में है स्थापित, और ये 1958 को स्थापित किया गया था। नेक्स्ट है हमारा जिंक लिमिटेड, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड धनबाद में है, ये धनबाद जिले के टोंडू में स्थापित है। ठीक है, और भारत में इस प्रकार के स्थापित 5 संस्थानों में से एक संस्थान यहाँ पर है। ठीक है, यह जो है यहाँ पर क्या होता है कि जस्ता को पिघलाने का संयंत्र लगाया गया है। इस संस्थान की वार्षिक उत्पादन क्षमता जो है 116 लाख टन जस्ता प्रगलन यानी मेल्टिंग है, जस्ता को बस पिघलाया जाता है यहाँ पर। ठीक है, और इस प्रकार का 5 इंडस्ट्री है जिसमें से एक झारखंड के धनबाद के टुंडू में स्थित है, जिला तो धनबाद है हमारा। ठीक है, तो हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड कहाँ पर है, धनबाद में। आपसे पूछेगा कि हिंदुस्तान HECL कहाँ पर स्थापित है, तो आप बोलोगे रांची में स्थापित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या है, फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये भी कहाँ पर है, तो ये सिंधरी में। पायराइट्स से रिलेटेड बोले कि पायराइट्स केमिकल से रिलेटेड उद्योग की बात करें वो भी सिंधरी में है। फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की बात करें ये भी सिंधरी में है। ठीक है, और भारत के सार्वजनिक क्षेत्र में स्थापित होने वाला पहला कारखाना फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड सिंधरी ही है। आपसे पूछे कि भारत के सार्वजनिक क्षेत्र में स्थापित होने वाला पहला कारखाना कौन है, तो ये फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड सिंधरी है। ठीक है, और ये सिंधरी में है। यहाँ पर पोटास, नाइट्रोजन और फॉस्फोरस आदि उर्वरकों को तैयार किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या है, अब हम लोग वैसे इंडस्ट्री की बात करेंगे जिसका इस्टेब्लिशमेंट खुद स्टेट गवर्नमेंट ने किया है और स्टेट गवर्नमेंट ही इसको रन करती है। ठीक है, पहला है बिहार माइका सिंडिकेट लिमिटेड हजारीबाग। ठीक है, नाम है बिहार लेकिन ये बिहार में स्थित नहीं है अब, पहले था। ठीक है, बिफोर 2000। ठीक है, लेकिन डिवाइड यानी मतलब झारखंड जब अलग हो गया बिहार में तो ये चला गया झारखंड के हजारीबाग में। ठीक है, बिहार माइका सिंडिकेट लिमिटेड हजारीबाग। ठीक है, यह संस्थान इस संस्थान का जो मुख्य कार्य है वो अभ्रक का उत्पादन है। ठीक है, और नेक्स्ट है हमारा बिहार स्टेट सुपर फॉस्फेट फैक्ट्री लिमिटेड धनबाद, ये भी धनबाद में ही है। ठीक है, सुपर फॉस्फेट फैक्ट्री। अभी हम लोग धनबाद में एक और फैक्ट्री देखे थे जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा चलाया जाता था, वो था जिंक लिमिटेड, जहाँ पर जिंक को गलाया जाता था। लेकिन अभी हम लोग देख रहे हैं बिहार स्टेट सुपर फॉस्फेट फैक्ट्री लिमिटेड, ये धनबाद में है। ठीक है, इसमें उच्च कोटि का फॉस्फेट तैयार किया जाता है। ठीक है, चलिए और हम देखेंगे जो प्राइवेट सेक्टर के द्वारा जितने भी उद्योग को स्थापित किया गया झारखंड में उसे हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट है हमारा टेलको, टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव कंपनी लिमिटेड, जमशेदपुर में स्थित है ये। ये झारखंड प्रांत का निजी क्षेत्र का उपक्रम है, इसमें रेल के लिए इंजीनियरिंग सामान और लोकोमोटिव का निर्माण होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड, ये भी टाटा नगर जमशेदपुर में ही है। ठीक है, टिस्को बोलते हैं इसको, यह भी निजी प्रबंधन का उपक्रम है, इसकी स्थापना जमशेद जी टाटा ने 1907 में की थी। नेक्स्ट हमारा यूरेनियम प्रोसेसिंग प्लांट, यूरेनियम प्रोसेसिंग प्लांट कहाँ पर है, ये घाटशिला में। घाटशिला में हम लोग एक और देखे थे। ठीक है, तो घाटशिला में हम लोग एक और उद्योग को देखे थे जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा चलाया जाता था, उसका नाम क्या है, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड। ठीक है, इसके अलावा घाटशिला में एक और चीज़ की हम लोग देखे हैं अभी जो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा चलाया जाता है वो है यूरेनियम प्रोसेसिंग प्लांट घाटशिला। ठीक है, 1967। अब हम लोग देखेंगे कि जितने भी पंचवर्षीय योजना 10-12 पंचवर्षीय योजना है, ठीक है, उसमें से झारखंड में जितने भी उद्योग स्थापित किए गए, कारखाने स्थापित किए गए हैं, फैक्ट्री स्थापित किए गए हैं, तो वो कौन कौन से पंचवर्षीय योजना के टाइम स्थापित किए गए। सिंधरी खाद कारखाना जो है ये प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान स्थापित किया गया, ऐसा क्वेश्चन पूछता है दोस्तों। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर आप देखोगे इसमें साफ साफ पूछा गया है कि कौन सा ये निम्नलिखित फैक्ट्री है, ये किस पंचवर्षीय योजना के टाइम
स्थापित किया गया था, डायरेक्ट पूछा जाता है, इसलिए आप लोग इसको इग्नोर नहीं कर सकते हो। ठीक है, सिंदरी खाद कारखाना जो है ये प्रथम पंचवर्षीय योजना के टाइम स्थापित किया गया था। सिंदरी सुपर फॉस्फेट जो है ये द्वितीय पंचवर्षीय योजना के टाइम स्थापित किया गया था। गोमिया विस्फोटक कारखाना, ठीक है, ये द्वितीय पंचवर्षीय योजना के टाइम स्थापित किया गया था। और भारी मशीन प्लांट एवं फाउंड्री फोर्ज फैक्ट्री, ये भी द्वितीय पंचवर्षीय योजना के टाइम स्थापित किया गया था। ठीक है, रांची हाई टेंशन इंसुलेटर फैक्ट्री, ये द्वितीय पंचवर्षीय योजना के टाइम स्थापित किया गया था। ठीक है, चलिए अब हम देखेंगे और कुछ है क्या। नहीं, और कुछ नहीं है, बस इतना ही है। ठीक है, इसके अलावा और भी कारखाने हैं जो पंचवर्षीय योजना के दौरान स्थापित किए गए, उसे हम लोग देखेंगे। फिलहाल अभी इतना ही है। ठीक है, बने रहिए, इसका नेक्स्ट पार्ट भी आएगा इंडस्ट्री का, उसमें हम लोग देखेंगे। ठीक है, बाय बाय, हैव ए नाइस डे। अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।